राजस्थान मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, मजहबों वाला देश है। उन्होंने कहा कि विभिन्नता में एकता से ही सारे जहां में हमारी पहचान है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। एकता, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना प्रत्येक हम सब देशवासियों का कर्तव्य है। रावत गुरुवार को मोहम्मद अली उच्च माध्यमिक विद्यालय के जौहर सभा भवन में शाह मानव अधिकार आयोग सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित सर्वधर्म सामूहिक युवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। रावत ने बढ़ती महंगाई, दिखावे एवं प्रतिस्पर्धा की इस होड़ में सर्वधर्म सामूहिक युवा को आवश्यक बताते हुए सभी समाज को ऐसे आयोजनों में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राज्य मंत्री ने संस्था द्वारा प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक सामूहिक युवा के अंतर्गत कन्याओं का सफलतापूर्वक विवाह करवाने पर संयोजक विमल चौहान एवं अध्यक्ष रफीक मोहम्मद को बधाई दी तथा भीम में भी ऐसा अनूठा विवाह आयोजन करवाने की इच्छा जाहिर की। रावत ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन जीने का आशीर्वाद देते हुए कन्यादान स्वरूप उपहार भेंट किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर MM गोयल ने आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा समाज में ऐसे आयोजन की आवश्यकता बताई। विशिष्ट अतिथि के रूप में धौलपुर से शाह मदार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जाकिर शाह ने शिरकत की। उन्होंने एक ही मंडप में हिंदू मुस्लिम समाज के एक साथ फेरे हुए निकाह को अनूठा आयोजन बताते हुए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का अनुकरणीय उदाहरण बताया। संयोजक विमल चौहान के अनुसार सम्मेलन में 17 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने समारोह का संचालन करते हुए नवविवाहित जोड़ों, अभिभावकों, रिश्तेदारों तथा संस्था पर भरोसा जताने पर धन्यवाद प्रेषित किया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफीक मोहम्मद के अनुसार संस्था ने यह अभियान 2015 में शुरू किया था। वर्तमान में सभी समाज इसे अपना रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष पप्पू काठात करबला मार्ग सचिव अब्दुल सलीम, सह सचिव मोहम्मद हनीफ सौरगर, जानवी भालवानी, सोनिया जयमन, पार्षद हरीश साखला, विक्रम सोनी, लोकेश जैन, शबनम शहजाद शाह तथा तौशिफ शाह ने भी संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान पंडित दिनकर भारद्वाज ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वर वधुओं के फेरे करवाए।